देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। फतेहपुर के जरौली केनाल के 7 पंप में से केवल 4 पंप चलाए जा रहे हैं। इससे असौतर क्षेत्र की नहर में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। फसलों की सिंचाई करने में किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। विजयपुर और धाता क्षेत्र की नहर सूखी पड़ी है। ऐसे में फसलों की सिंचाई को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के उजागरिया गांव का किसान भेरूलाल मालवीय अपना 27 क्विंटल प्याज लेकर मंडी में बेचने पहुंचा, तो उसका 372 प्रति क्विंटल प्याज 10,045 रुपए के मान से बिका, जिसके कारण किसान गहरे सदमे में चला गया। 40 साल की उम्र का भेरूलाल मालवीय सदमे के कारण अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनने के साथ ही कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। अब आरबीआई ने इस कर्ज माफी के साइड इफेक्ट्स गिनाते हुए सरकार को इशारों ही इशारों में चेतावनी दे डाली है। रिजर्व बैंक के मुताबिक किसानों की कर्ज माफी से बैंक भविष्य में किसानों को कर्ज देने में कंजूसी बरत सकते हैं। राजस्थान जिले में तापमान 0 डिग्री से नीचे उतरने से खेतों में खड़ी बैंगन की फसल खराब हो गई, जिससे आहत होकर किसान ने रविवार को फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। फसल खराब होने पर किसान परिवार के गुजारे पर संकट खड़ा हो गया था, जिससे घबराए किसान ने खुदकुशी कर ली। पोखरणी में किसानों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। फसल की सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है। यहां का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। ग्रामीणों ने बिजली कंपनी को 22 दिसंबर को मौखिक रूप से शिकायत की थी। ग्रामीण खराब ट्रांसफार्मर को खुद के खर्च से टिमरनी बिजली कंपनी कार्यालय ले गए। एक सप्ताह बाद अभी दूसरा ट्रांसफार्मर भी नहीं लगाया गया। ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के जेई को आवेदन देकर जल्द ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।